Communication mastery by Rahul Bhatnagar presenting the biggest online public speaking championship. This is my first official entry for the round one. And today I am going to talk about mindset matters more than skills. Hello and hi to everybody. Introducing myself, Junesh Sheikh, father of two daughters, one son and husband to a very lovely and a beautiful wife. दोस्तों मैं आपको अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन भी दे दूं. मैं डायमंड इंडस्ट्री में 9 से 7 जॉब करता हूं एज अ मैनेजर. मेरा अपना खुद का जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस भी है. मैं प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग भी करता हूं. और जी हाँ दोस्तों, मेरा अपना खुद का मोनेटाइज यूट्यूब चैनल भी है. दोस्तों मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं माइंडसेट मैटर्स मोर देन स्किल. इसका एग्जांपल मैं अपना खुद का देना चाहूँगा. ड्यूरिंग कोविड-19 और कोविड-19 से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट था. कोविड-19 की वजह से कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया, वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गई. दोस्तों ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं अपने रूम में बैठा था, बुक्स रीडिंग कर रहा था, तभी मुझे एक बुक मेरे हाथ लगी, 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल. मैंने उसको पढ़ा, अपने माइंड को प्रोग्राम किया, माइंडसेट डेवलप किया, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ गया. और जैसे ही लॉकडाउन हटा, मैंने अपने पॉजिटिव माइंडसेट को यूज़ किया और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू किया. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सक्सेस हुआ और एक अच्छी हैंडसम अर्निंग और सेविंग करने लगा. दोस्तों दूसरा एग्जांपल माइंडसेट का मैं आपको अपना खुद का देना चाहूँगा. मैं प्रोफेशनली कम्युनिकेशन स्किल मैंने नहीं कहीं से लिया है, सिर्फ और सिर्फ अपना 80% माइंडसेट यूज़ किया. जैसे ही मुझे पता चला इस कंपटीशन, इस कंटेस्ट के बारे में, मेरा पॉजिटिव माइंड वर्क करने लगा और अंदर से आवाज़ आने लगी कि मैं भी कर सकता हूँ. एक पॉजिटिव एनर्जी, ग्रोथ माइंड अंदर से जवाब देने लगा और मैंने राहुल भटनागर जी के इस कंटेस्ट में पार्ट लिया और अपने आप को इतना प्रोग्राम किया कि मैं इसमें पार्ट ले सकता हूँ और इंशाल्लाह सेकेंड राउंड तक भी जाऊँगा. दोस्तों हम अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ हमको पहुँचना है और लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में स्टक हो जाते हैं. सो अपने माइंड को इतना प्रोग्राम करिए, वेल प्लान करिए, ग्रोथ माइंडसेट करिए ताकि आप वहाँ पहुँच सके जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं. दोस्तों दिस इज जुनेश शेख शाइनिंग ऑफ. फिर मिलूँगा राहुल भटनागर जी के सेकेंड राउंड में इंशाल्लाह. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.